नमस्कार। रागगिरी की इस खास सीरीज सुनेंगे तभी तो सीखेंगे में आज बात एक ऐसे कलाकार की जिसे प्यार से लोग बनारसी गुरु कहते हैं। कुछ साल पहले इसी नाम से उन कलाकार के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है। वो कलाकार हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। दरअसल बांसुरी और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। आप बांसुरी को हरिप्रसाद चौरसिया कहें या हरिप्रसाद चौरसिया को बांसुरी कहें, बात एक ही है। हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म 1 जुलाई 1938 को इलाहाबाद में हुआ था। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के पिता पहलवान थे। संगीत से दूर दूर तक उनका कोई रिश्ता नहीं था, बल्कि बहुत हद तक कहा जाए तो उन्हें संगीत से चिढ़ थी। पिता को लगता था कि संगीत या तो राज दरबार में गाया बजाया जाता है या फिर सड़क पर इसे गा बजाकर पैसे मांगे जाते हैं। जाहिर है ऐसे सोच वाले व्यक्ति के घर में संगीत की बात करना भी अपराध है। उस पर से हरिप्रसाद चौरसिया की माँ का निधन जब वो बहुत छोटे थे तभी हो गया था। यानी घर में कोई भी ऐसा नहीं था कि अगर पिता को गुस्सा आ जाए तो उससे बच्चे को बचा ले। ऐसे में हरिप्रसाद चौरसिया के कदम चोरी के रास्ते पर चले गए। चोरी यानी चोरी से संगीत सीखना एक बड़ी मुसीबत और भी थी। पिताजी चाहते थे कि उन्हीं की तरह उनका बेटा भी पहलवानी के दांव पेच सीखे। बेटे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि पिता को मना किया जाए। कभी कभार अखाड़े जाना पड़ता था, दांव लगाने पड़ते थे, पटखनी खानी पड़ती थी। इसकी वजह यह थी कि मन तो कहीं और लगा रहता था, फिर अखाड़े में ध्यान कहां से लगे। ये वही समय था जब पंडित हरिप्रसाद चौरसिया अपने दोस्त के घर चोरी से जाकर संगीत सीखने लगे। उस वक्त उनकी उम्र यही कोई 9-10 साल थी और पड़ोस में पंडित राजा राम से उन्होंने गायन सीखना शुरू किया। साथ ही साथ गुजारिश ये की कि इस राज को यानी इस चोरी को कभी भी खुलने ना दिया जाए, किसी को भी गलती से ना ये पता चल पाए कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया संगीत सीख रहे हैं। अगले 6-7 साल तक यह सिलसिला चलता रहा। 15 साल की उम्र में हरिप्रसाद चौरसिया ने पहली बार रेडियो पर बांसुरी वादन सुना। फिर वो पंडित भोलानाथ प्रसन्ना से बांसुरी सीखने लगे। मुसीबत तो उस रोज हुई जब एक दिन हरिप्रसाद चौरसिया घर पर बांसुरी बजा रहे थे, शायद रियाज कर रहे होंगे। पिताजी ने सुन लिया, एक जोर की आवाज लगाकर उनकी पेशी हुई। कोई बहाना नहीं चला। 15 साल की उम्र में झूठ भी बोला तो ऐसा कि दांव उल्टा पड़ गया। हुआ यूं कि पिता के गुस्से से बचने के लिए पंडित जी ने कहा कि वो सीटी बजा रहे थे। अब सीटी बजाना और बड़ा अपराध था, तो हुआ यूं कि पहलवान पिता ने हरिप्रसाद चौरसिया जी की पिटाई कर दी। फिर वो वक्त भी आया जब हरिप्रसाद चौरसिया जी के पास कटक रेडियो से स्टाफ आर्टिस्ट बनने का ऑफर आया। उस दिन उनके पिता को पता चला कि उनके बेटे ने चोरी से क्या किया है। पहले तो चोरी से संगीत सीखा और उसके बाद अब वो नौकरी करना चाहता है। पिताजी अड़ गए। उन्होंने कहा घर छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हरिप्रसाद जी के माँ के निधन के बाद उनके पिता ने सिर्फ इसलिए शादी नहीं की थी कि वो चाहते थे कि वो अपने बच्चों की देखभाल खुद से करें। वो किसी और के हाथों अपने बच्चों की परवरिश होते नहीं देखना चाहते थे। बहुत भावुक थे और जब उन्हें पता चला कि बेटा अब नौकरी करने के लिए बाहर जाएगा तो उन्होंने लाख कोशिश की, लेकिन हरिप्रसाद चौरसिया जी नहीं माने। हरिप्रसाद चौरसिया जी खुद कहते हैं कि वो पहला दिन था जब उन्होंने अपने पहलवान पिता की आंखों में आंसू देखे थे। हरिप्रसाद चौरसिया 1957 में आकाशवाणी से जुड़े और कटक चले गए। बाद में हरिप्रसाद चौरसिया मुंबई पहुंचे तो वहां उनकी बांसुरी की धुन जाने माने फिल्म संगीतकार मदन मोहन और रोशन साहब तक पहुंच गई। उन्होंने हरिप्रसाद चौरसिया से फिल्मी गीतों में बांसुरी बजवाना शुरू कर दिया। ये अलग बात है कि हरिप्रसाद चौरसिया का मन मुंबई में नहीं लग रहा था। इसके बाद रेडियो से हरिप्रसाद चौरसिया का रिश्ता लगभग टूट गया। संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा के साथ शिवहरि के नाम से उनकी जोड़ी बनी। यश चोपड़ा की तमाम फिल्मों का संगीत शिवहरि का ही है, वो चाहे सिलसिला हो, चांदनी हो, लम्हे हो या फिर डर हो। मुंबई में रहने के दौरान पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की इच्छा हुई कि वो अन्नपूर्णा देवी जी से संगीत सीखे। अन्नपूर्णा देवी जी मैहर घराने के मशहूर महान कलाकार उस्ताद अलाउद्दीन खान की बेटी थी। इसके अलावा उनका एक परिचय ये भी है कि वो भारत रत्न से सम्मानित सितार वादक
पंडित रविशंकर की पत्नी भी थी। दरअसल इसके पीछे भी एक किस्सा है। एक वक्त ऐसा था जब इलाहाबाद में बाबा अलाउद्दीन खान ने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को बांसुरी बजाते सुना, वो खुश हो गए। उन्होंने पंडित जी से कहा कि तुम मुझसे संगीत सीखो। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बाबा अलाउद्दीन खान भारतीय शास्त्रीय संगीत का बहुत बड़ा नाम थे। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि वो उन्हें सिखाना चाहते थे। लेकिन मुसीबत ये थी कि पिता का डर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को इस बात के लिए तैयार नहीं कर पाया कि वो बाबा से जाकर संगीत सीखे। उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं आपसे नहीं सीख सकता हूँ। बाबा अलाउद्दीन खान समझ गए कि कोई ना कोई वजह ऐसी ज़रूर होगी कि हरिप्रसाद चौरसिया उनसे संगीत सीखने के लिए मना कर रहे हैं, वरना ऐसा कोई कलाकार नहीं करता। बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे घर आ जाओ, मेरे घर रहकर सीखो। हरिप्रसाद चौरसिया जी उसके लिए भी तैयार नहीं हुए। तब बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम जब चाहो तब आकर मुझसे सीख सकते हो, यहाँ तक कि अगर मैं ना रहूँ तो तुम मेरे बाद मेरी बेटी अन्नपूर्णा से संगीत सीखना। ये बात कहीं हरिप्रसाद चौरसिया के दिमाग में रह गई थी और अन्नपूर्णा जी से सीखने की जो ख्वाहिश थी उसकी वजह यही बनी। काफ़ी मान मनोवल के बाद अन्नपूर्णा जी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को संगीत सिखाने के लिए तैयार हुए। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के जो चाहने वाले हैं उनको शायद ये नहीं पता होगा कि बचपन में ना चाहते हुए भी उन्होंने कुछ वक्त अखाड़ों में ज़रूर बिताया था। शायद उसी का असर है कि आज 80 साल से ज़्यादा की उम्र पार करने के बाद भी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया देश और दुनिया में बहुत सक्रियता के साथ अपने कार्यक्रम पेश करते हैं, बांसुरी की धुनों से, उसके संगीत के रस से हम सबको सराबोर करते हैं। ईश्वर से दुआ है कि उनकी संगीत साधना यूं ही चलती रहे। नमस्ते, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रागिरी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इन वीडियोस को लाइक कीजिए और Facebook और Twitter के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।